तो हेलो एवरीबडी वेलकम टू द वीडियो सो इन दिस वीडियो वी आर वी वेर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने जो है वो जनरली दो चीज़ों के बारे में बात की थी कि आपके पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो कुछ आपके पास इस टॉपिक में से दो थीम्स में से जो है वो आते हैं पहला है आपके पास जो ऐबरीशनस हैं क्रोमोसोमल ऐब्रेशन्स वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे वहाँ से जो है या तो वो जो है वो क्रोमोसोमल ऐबरीशन से राइट आ शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि आपके पास राइट आ शॉर्ट नोट ऑन डाउन सिंड्रम शॉर्ट नोट ऑन पटाओ सिंड्रम एडवर्ड सिंड्रम तो जनरली एक शॉर्ट नोट जो है वो आपके पास जो है वो पूछ लिया जाता है या फिर एक जो आपके पास जनरलिस्टिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है वो जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है एक बहुत ही जनरल काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इंसान के अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल और जो आ, जो नमेरिकल अब नॉर्मेलिटीज होती हैं और इस चीज के ऊपर चर्चा कीजिए ठीक है तो जब आपको चर्चा करने के लिए कहा जाता है जब आपको कमेंट करने के लिए कहा जाता है एक जनरलाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वहां पर आपने बेसिकली पहले समझाना होता है कि इंसान के अंदर जो है वो दो तरह की अब होती हैं एक है आपके पास स्ट्रक्चरल दूसरी होती है नुमेरिकल न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो एन्यू प्लाई डी के अंदर जो है वो आप अपने केसेस बता दोगे उसके एग्जांपल्स दे दोगे कुछ क्लिनिकल सेंड्रम लिख के जो है क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बना के आप जो है वो बाहर निकल जाओगे ये दूसरे तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके पास दूसरा थीम है वो है कि आपके पास जो है वो जेनेटिक स्क्रीनिंग से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा अगेन जेनेटिक स्क्रीनिंग से दो तरह से जो है वो आपसे आप जो है वो सवाल पूछे जा रहे थे पहले जो जेनेटिक स्क्रीनिंग के क्वेश्चन हैं वो पूछे जा रहे थे फ्रॉम द इशू ऑफ वट कि जेनेटिक स्क्रीनिंग आखिरकार जो है वो आपके पास चीज़ क्या है जेनेटिक स्क्रीनिंग जो है वो क्या चीज़ होती है वहां से जो है वो आपसे सवाल पूछे जा रहे थे दूसरा जो है वो मुद्दा वो है आपके पास जेनेटिक स्क्रीनिंग की ज़रूरत क्या है वो जेनेटिक स्क्रीनिंग यहां से जो है वो आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि जेनेटिक स्क्रीनिंग का सिग्निफिकेंस क्या है वॉट इज़ दिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक स्क्रीनिंग ठीक है तो दो तरह से जो है वो आप सिग्निफाई सिग्निफिकेंस को जो है वो इन्यूमरेट कर दे कर सकते हो दो तरह से सिग्निफिकेंस को बता सकते हो कि आपके पास पहला है कि जो जेनेटिक्स जो आपके पास जेनेटिक डिसजेज़ हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है दूसरा मुद्दा ये है कि आपके पास जो कॉस्ट है जेनेटिक डिजेज़ का वो भी जो है वो बढ़ता जा रहा है ठीक है तो ये दो जो है वो आपके पास बेसिक मुद्दे हैं जेनेटिक स्क्रीनिंग के ठीक है तो ये जो है वो आपके पास दो चीज़ें हैं जहां से जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं आपसे ठीक है चलिए सो वी वर डूइंग दी न्यूमेरिकल ऑबरेशन्स न्यूमेरिकल ऑबरेशन्स के अंदर हम जो है वी वर वी वर टू स्टार्ट अबाउट वी वर हेयर टू स्टार्ट विद सेक्स द्रोमोसोमल ऑबरेशन्स ठीक है तो सो बिफोर वी स्टार्ट इफ़ यू वॉन्ट टू डाउनलोड द पी डी एफ़ फाइल अगर आप पी डी एफ़ फ़ाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं प्लीज़ डाउनलोड दी ओ टू आई एस एकेडमी ऐप ऐप को डाउनलोड कीजिए इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए इनसाइड सेक्शन यू विल हैव दिस कोर्स ये कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिविज़न एंड आंसर राइटिंग कोर्स इसके जो है वो आप रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए इनसाइड द रिसोर्स सेक्शन आपको जो है वो एक पी डी एफ फाइल और बाकी जो भी आपके टॉपिक्स हैं जो आने वाले टॉपिक्स हैं या फिर जो टॉपिक्स पीछे हो चुके हैं उन की जो है वो पीडीएफ फाइल जो है वो इसके अंदर आपको मिल जाएगी इसके अंदर मुहैया जो है वो आपको हो जाएगी ठीक है सो आई विल अर्ज यू और आई विल मेक अ रिक्वेस्ट टू यू कि अगर आप जो है वो यू वांट टू एक्सट्रैक्ट हंड्रेड परसेंट आउट ऑफ दिस कोर्स तो आपको पहले जो है वो एक पी फाइल जो है वो यू शुड डाउनलोड दैट पी फाइल ठीक है चलिए सो द सेक्स क्रोमोसोमल और द सेक्स क्रोमोसोमल एबरेशन दो बार आ गया क्रोमोसोमल सेम एबरेशन इन द्यूमन बींग्स ठीक है उसके अंदर जो आपके पास पहला द फर्स्ट एग्जाम्पल इन यूर सिलेबस इट इज दर्नर सिंड्रम टर्नर सिंड्रम और इट इज ऑल्सो द मोनोसोमी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम ठीक है एक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी हो, हो जाना सो टर्नर सिंड्रम जो है टर्नर सिंड्रम के अंदर जो है वो बेसिकली वॉट इज दैट फिनोटिपिकली फिनोटिपिकली पर्सन इज अ फीमेल वो जो है वो आपके पास फीमेल होती है फिनोटिपिकली फिनोटिपिकली कहने का मतलब क्या है कि दोनों जो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों करेक्टरिस्टिक्स मतलब जो आपके पास प्राइमरी uh, करेक्टरिस्टिक्स हैं प्राइमरी करैक्टरिस्टिक्स का मतलब वेजाइना द प्रेजेंस ऑफ वेजाइना इज देयर सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो है वो आपके पास द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेस्ट इज देअर ऑल्दो द ब्रेस्ट फॉर्मेशन इट इज़ अंडर डेवलप्ड द निप्पल का जो फार्मूलेशन है वो जो है वो आपके पास अंडर डेवलप्ड रहता है आपके पास जो बेंसरेशन साइकिल है वो जो है वो टर्नर सिंड्रोम के अंदर नहीं होता है ठीक है तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो होती हैं बट फिनोटिपिकली आपके पास जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी करेक्ट्रिस्टिक्स को अगर आप आ, उस चीज़ को जो है वो आप करेक्टराइज करो देन यू विल गेट दैट द फिनोटिपिकली शी इज फीमेल वो जो है वो आपको फीमेल ही दिखाई देगी ठीक है सो दीज आर द दिनड्रम ये सिंड्रम है टर्नर सिंड्रम के ये सिम्टम्स हैं टर्नर सिंड्रम के ठीक है सो द स्टेचर इज शॉर्ट शॉर्ट स्टेचर रहता है जनरली जब आप मोनोसोमी की बात करोगे जब आप डिलीशन की बात करते हो तो आपके पास जो स्टेचर है वो छोटा ही रहता है वो शॉर्ट स्टेचर ही रहता है ठीक है जो आपके पास हेयर लाइन है वो लो रहेगी आगे की तरफ रहेगी फेशियल हेयर्स का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे स्किन फोल्ड दिखाई देता है आपको यहाँ पे जो है वो स्किन फोल्ड दिखाई देगा एंड इन सम समीशन स्किन फोल्ड थोड़ा सा ऊपर होता है ठीक है देन आपके पास कंस्ट्रक्शन ऑफ एट्रा सो कंस्ट्रक्शन ऑफ एटा सो इट्स अ ब्लड पाइप दैट गोज टू द दर्ट देन यू हैव दुअर बेस्ट ब्रेस्ट डेवलपमेंट देन यू हैव द एल्बो डिफॉर्मिटी ठीक है एल्बो में थोड़ी सी डिफॉर्मिटी होती है और ये जो आपके पास बोन है ये थोड़ी सी जो है इट uh, इज uh, थोड़े से कर्वेचर के अंदर आ जाती है देन आपके पास जो ओवरीज हैं उनके अंदर स्टीक फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है रूडीमेंट्री होती हैं मैंसरेशन साइकिल जो है वो आपके पास नहीं प्रॉपरली बन पाता है ठीक है स्पॉट्स जो आपके पास जो आपकी बॉडी है उसमें हल्के हल्के जो है वो स्पॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं मेटाकार्पल जो है फोर्थ मेटाकार्पल जो है वो आपके पास शॉर्ट होना शुरू हो जाता है जो आपके पास फिंगर नेल्स हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं वो उनका प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाता है ठीक है जो निप्पल्स हैं वो शील्ड हो मतलब जो आपके पास ब्रेस्ट है वो शील्ड शेप में होती है निप्पल जो हैं वो वाइड होते हैं ठीक है सो so, थोरेक्स जो है इट इज़ इन द शील्ड शेप जो आपके पास जो हेयर लाइन है वो आगे की तरफ होती है ठीक है तो दीज आर दिम्टम्स ये आपके पास जो है वो सिम्टम्स हैं ठीक है दीज आर द सम ऑफ द क्लिनिकल सिम्टम्स ठीक है सो दिस सिंड्रम इट इज करैक्टराइज बाय पार्शियल और द कंप्लीट एबसेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम इन द फीमेल तो होता क्या है कि आपके पास फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स हैं या फिर मैं यू कह लूँ कि अगर मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल देन यू हैव 44 फोर प्लस एक्स एक्स ठीक है इसके अंदर मोनोसोमिक कंडीशन के अंदर क्या होता है मोनोसोमिक कंडीशन ऑफ एक्स इसके अंदर क्या है दैट यू हैव फाइव क्रोमोसोम्स और एक्स इस तरह से ठीक है आपके पास 45 फाइव क्रोमोसोम और एक एक्स रह जाता है अब आपके पास जो मोनोसोमी है इन द मोनोसोमी कंडीशन दो तरह की मोनोसोमी होती है एक होती है आपके पास कंप्लीट और एक आपके पास पार्शियल ठीक है जब आपके पास पार्शियल मोनोसोमी है तो उसके अंदर क्या है कि आपके पास एक जो आपके पास पी की सॉरी एक जो आपके पास आ, एक्स क्रोमोसोम की जो जो आम है वो रह जाती है दूसरी जो है वो कट हो जाती है और कंप्लीट के अंदर पूरा का पूरा एक्स क्रोमोसोम ही आपके पास जो है वो गायब रहता है सो ये जो आपके पास पहली इसकी डिस्क्रिप्शन जो थी वो आपके पास हैनरी टर्नर ने दी थी ठीक है फिर उसके बाद जो है वो इस चीज़ को स्थापित कर दिया गया एज अ टर्नर सिंड्रम ठीक है सो मोटा मोटी बात क्या है कि टर्नर सिंड्रोम में जो है वो आपके पास एक मोनोसोमिक कंडीशन आ जाती है एक्स की एक्स क्रोमोसोम की एक मोनोसोमिक कंडीशन जो है वो इसके अंदर आपको दिखाई देती है ठीक है आई होप दिस इज क्लियर ठीक है सो द क्रायोटाइप अगर आपके पास कंप्लीट मोनोसोमिक कंडीशन हो जाए देन इट शुड बी रिटर्न लाइक एक्स ओ एक्स ओ भी लिख देते हो कई बार सिंपली जो है वो इस तरह से भी लिखा होता है सो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि आपके पास एक्स के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है दैट दिस इज द मोनोसोमिक कंडीशन ये मोनोसोमिक कंडीशन है ठीक है सो so, आपके पास जो इंसिडेंस है इंसीडेंस इट इज़ वन इन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ठीक है वन इन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड दिस इज द इंसीडेंस जो आपके पास नाइन्टी परसेंट है उनका जो है वो अबॉर्शन हो जाता है दस परसेंट ही जो है वो आपके पास जिंदा रह पाते हैं ठीक है ऑब्वियसली दे आर जो आपके पास फीमेल्स हैं दे आर स्टेराइल ठीक है दे द फीमेल्स दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस वो रिप्रोड्यूस जो है वो नहीं कर पाती हैं ओके सो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स क्लिनिकल फीचर्स के अंदर पहले जो है वो आपके पास आ जाते हैं सोमैटिक फीचर्स सोमेटिक फीचर्स का मतलब जो है जो आपके आम फीचर्स हैं ठीक है आम फीचर्स जो कि जनरल बॉडी के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं यू हैव शॉर्ट स्टेचर पहला जो है वो स्टेचर आपका छोटा होता है वेब्ड नेक स्किन फोल्ड की हमने बात की थी तो ऐसे स्किन फोल्ड जब ऊपर आने स्टार्ट हो जाते हैं तो इसको जो है वो हम वेब्ड नेक कह देते हैं हेयर लाइन जो है वो नीचे आनी शुरू हो जाती है ईयर जो है वो छोटे होते हैं जनरली मोनोसोमिक कंडीशन के अंदर ईयर जो है वो आपको छोटे मिलते हैं छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं ईयर जो स्टेचर है अगेन इन द मोनोसोमिक कंडीशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो आपके पास स्टेचर की बात अगर करें तो स्टेचर भी आपको स्मॉल ही मिलता है मोनोसोमिक कंडीशन में जो आपके पास चेस्ट है वो ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाती है शील्ड लाइक होनी स्टार्ट हो जाती है निप्पल्स जो है वो भी ब्रॉड होने स्टार्ट हो जाते हैं स्पेस बिटवीन टू निप्पल्स वो जो है वो आपको चौड़ी होनी शुरू हो जाती है ग्रोथ रिटार्डेशन आनी स्टार्ट हो जाती है ठीक है कंस्ट्रिक्शन ऑफ एरोटा एरटा इज अज अ ब्लड पाइप दैट इज और दिन दैट आई शुड आर्टरी दैट इज गोइंग इन टू दू हार्ट जो हर्ट के अंदर आर्टरी जा रही होती है ठीक है जो आपके पास खून वाली नली जो है वो जो हर्ट के अंदर जा रही होती है सो so, उसमें जो है वो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि वो पतली होनी शुरू हो जाती है देन आपके पास प्राइमरी हाइपोगडिज्म ठीक है प्राइमरी हाइपोग के अंदर क्या होता है Uh, कि आपके पास uh, जो गोनेड्स हैं गोनेड्स फीमेल के गोनेड्स कौन, कौन से हो गए ओवरीज हो गई ठीक है तो आपके पास जो है वो हाइपो का मतलब कम डेवलप होना गोनेड का मतलब सेक्सुअल ऑर्गन जो आपके पास फीमेल का सेक्सुअल ऑर्गन कौन है ओवरी ओवरी का अंडर डेवलप्ड होना ठीक है तो आपके पास जो है वो ऊसाइट्स वगैरह इनके अंदर बन नहीं पाते ठीक है देन मिनिमल ब्रेस्ट डेवलपमेंट ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाता वही हमने बात ऑलरेडी कर ली कि अंडर डेवलप्ड रहती है ब्रेस्ट जो है एबसेंस ऑफ पीरियड्स मैंसुरेशन पीरियड्स का कैसे होंगे आपके पास अगर आपके पास हाइपोगनेडिजम का कंडीशन है ठीक है जब आपके पास गुनेड प्रोपरली डेवलप ही नहीं तो आपके पास जो है वो मैंसुरेशन साइकल्स कैसे आ जाएंगे ठीक है सो so, आपके पास ये जो है दीज आर दी सोमैटिक सिंड्रम और द सोमैटिक सिम्टम्स दैट आर सीन इन दी टर्नर सिंड्रम ठीक है जी देन आपके पास जो है वो कंप्लीट मोनोसोमर्स के अंदर जो आपके पास ओवरीज जो हैं वो नहीं बन पाती हैं ठीक है बहुत ही कम डेवलपमेंट होता है ऊ साइड्स तो बहुत दूर की बात है प्रॉपर ओवरी जो है वो नहीं बन पाती हैं है, 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 तो फीमेल जो हैं वो स्टेराइल रहती हैं ठीक है स्टेराइल है ये ओके सो so आपके पास जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जरवेशन आपके जो फाइबरस स्ट्रीक्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं ओवरीज के ऊपर वो ओवरीज को ग्रो जो है वो नहीं होने देते ठीक है सो जब आपके पास द एक्स मोनोसोमिक प्रोबेबली इट ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्सेप्शनल एग्स और द स्पर्म्स विद नो सेक्स क्रोमोसोम्स और नो एक्स जब आपके पास जो है वो नॉन डिसजंक्शनल एरर जो है इट विद द विद द सेक्स क्रोमोसोम्स हमने वहाँ पे पिछले के अंदर जो है वो क्राइडू चार्ट के अंदर और एडवर्ड के अंदर हमने ये देखा था कि नॉन डिसजंक्शनल एरर हो रहा था नॉन डिस्जंक्शनल एरर कई बार एट्थ में चला जाता था कई बार थर्टीनथ के अंदर देखा डाउन के अंदर हम जो है वो ट्वेंटी फर्स्ट को देखते हैं सो so इस तरह से ये नॉन डिसजंक्शनल एरर है जब नॉन डिसजंक्शनल एरर जो है वो आपके पास एक्स क्रोमोसोम के साथ हो जाता है देन ऑब्वियसली इट बिकम्स वट आपके पास जो है ये जो है इट बिकम्स टर्नर सिंड्रोम तो ये जो है वो आपके पास टर्नर सिंड्रोम बन जाता है फिर आपके पास फीमेल पार्शियल मोनोसोमी कंडीशन पार्शियल मोनोसोमी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक ब्रांच जो है वो एक्स की आ जाती है एक ब्रांच जो है वो नहीं आ पाती अब ये जो आपके पास पार्शियल मोनोसोमी है इट कैन अगेन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स इसको भी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो ठीक है सो आपके पास एक पार्ट है जिसके अंदर आपके पास जो है वो लॉन्ग आर्म आपके पास जो है वो लॉन्ग आर्म है दूसरे के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो यू हैव शॉर्ट आर्म आपके पास शॉर्ट आर्म है ठीक ठीक है, 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 की एक long arm होती है, एक short arm होती होती है. है? आप सबने वगैरह में इतना basic कर रखा होगा कि आपको ये याद आ रहा होगा कि एक्स क्रोमोसोम के अंदर एक शॉर्ट आर्म होती है एक लॉन्ग आर्म होती है सो दोज विद द लॉन्ग आर्म ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स दे आर शॉर्ट इन स्टेचर एंड अदर समेटिक सिम्टम्स जो कि टर्नर के हैं उनके पास होते हैं ठीक है तो उनके पास लॉन्ग आर्म के अंदर जिनके पास लॉन्ग आर्म होती है दे हैव दी सिम्टम्स ऑफ द टर्नर सिंड्रम और इनका जो स्टेचर है ये आपके पास शॉर्ट ही रहता है जिनकी शॉर्ट आर्म होती है दे हैव दी नॉर्मल स्टेचर इनका जो स्टेचर है वो नॉर्मल रहता है और जो बाकी आपके पास टर्नर सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं पूरी तरह से स्टेराइल होना मैंसरेशन साइकिल नहीं आना आपके पास वेब्ड नेक हो जाना जो जो आपके पास ओरटा है उसको उसका जो है वो आपके पास कंस्ट्रिक्शन हो जाना ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये जो है वो पार्शियल जब आपके पास शॉर्ट आर्म होती है तो उसके अंदर जो है वो नहीं हो पाती सो यू हैव टू राइट ऑल दोज थिंग्स इन सारी चीज़ों को आपको लिखना है सो दिस इंडिकेट्स दैट द टर्नर फिनोटाइप इट इज मोस्टली कंट्रोल्ड बाय द जीन्स जो कि आपके पास शॉर्ट आर्म के ऊपर होती हैं ठीक है इंपॉर्टेंट ठीक है? है तो आपके पास जो है वो अलग अलग आर्म्स मिसिंग होगी तो आपके पास अलग अलग तरह के सिम्टम्स जो हैं वो आ जाएंगे ठीक है देन आपके पास पार्शियल मोनोसोमी मेल ये एक और केस होता है आपके पास पार्शियल मोनोसोमी मेल कब होता है जब आपके पास क्या है कि आपके पास एक्स वाई होना था लेकिन वाई में डिलीशन हो गया ठीक है वाई इज द शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम आपको पता ही होगा कि वाई जो है वो आपके पास शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम होता है तो क्या होता है कि आपके पास यू हैव दी फोर एक्स वाई माइनस ठीक है जब इसका मतलब क्या है कि Y का एक फ्रेगमेंट जो है वो आपके पास आ चुका है अब आ, आपके पास अगर एक्स वाई होगा इसका मतलब क्या है कि एक प्रॉपर मेल डेवलपमेंट जो है वो आपको देखने को मिलता है बट वट हैपन्स इफ आपके पास वाई थोड़ा सा वाई का जो फ्रेगमेंट है वो जो है वो आपके पास आ गया ठीक है जी तो आपके पास जब छोटा सा आपके पास Y का फ्रेगमेंट आ गया तो इसमें क्या होता है कि टेस्टिस का डेवलपमेंट जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो टेस्टिस का एक बहुत अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड या फिर डिफेक्टिव डेवलपमेंट जो है वो आपको देखने को मिलता है इसके अंदर स्टेरिलिटी जो है वो इट इज़ वेरी कॉमन ठीक है तो आपके पास बहुत सारे मेल सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्ट्रिस्टिक्स जो हैं वो प्रॉपरली जो है वो उसका फॉर्मुलेशन इसके अंदर नहीं हो पाता है। ठीक है जो आपके पास फेशियल हेयर हैं दे आर वेरी स्पार्स बहुत स्पार्स फेशियल हेयर होते हैं जो वॉइस है वो डीप नहीं होती है इट्स वेरी uh, जो आपके पास हाई पिचड वॉइस जैसे लड़कियों की आवाज़ होती है वैसे आवाज़ होती है ठीक है जो आपके पास पीनेस का डेवलपमेंट है इट इज़ ऑल्सो वेरी लेस ठीक है तो बेसिकली दिस इज द दार्शल मोनोसोमी मेल ठीक है सो बेसिकली वॉट हैपन्स इज कि आपके पास टर्नर सिंड्रम के वेरिएशन्स हैं टर्नर सिंड्रम के वेरिएशन कैसे हैं दैट द टर्नर सिंड्रम इट कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट तीन जो है वो इसके जो है वो वेरिएशन हैं पहला है टर्नर सिंड्रम जो आपके पास कंप्लीट मोनोसोमी कंप्लीट मोनोसोमी कंडीशन दूसरा है टर्नर सिंड्रम विद द पार्शियल मोनोसोमी कंडीशन पार्शियल मोनोसोमी कंडीशन के अगले दो पार्ट्स हैं आपके पास एक के अंदर द शॉर्ट आर्म द शॉर्ट आर्म इज प्रेजेंट दूसरे के अंदर आपके पास जो है वो लॉन्ग आर्म इट इज प्रेजेंट ठीक है ये दोनों के अंदर जो है दिस दिज इन बोथ ऑफ देम यू हैव द फिनोटिपिकली फीमेल फिनोटिपिकली आपके पास फीमेल ही है और आपके पास जो तीसरा है तीसरे के अंदर क्या होता है दैट दिस इज द पार्शियल मोनोसोमी पार्शियल मोनोसोमी बट इट इज मेल इसके अंदर क्या है वट इज द्रायोटाइप फोर्टी फोर एक्स वाई माइनस वाई माइनस का मतलब क्या है दैट देयर इज अ वेरी शॉर्ट फ्रेगमेंट दैट देयर इज अ वेरी शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ वाई क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम का एक बहुत छोटा फ्रेगमेंट जो है वो आपके पास आ चुका है ठीक है सो दीज आर दी थ्री थिंग्स ये आपके पास जो तीन हैं दीज आर द थ्री वर्जन वेरी बेस्ट तो आपको जो है वो टर्नर सिंड्रम के ऊपर जब भी शॉर्ट नोट पूछा जाए तो टर्नर सिंड्रम के ये तीन वेरिएशन लिखने ही लिखने हैं ठीक है सो हाउ दिस कैन बी डायग्नोज इसको जो है वो किस तरह से डायग्नोज किया जा सकता है पहला है सिम्टोमेटिकली आप इसको डायग्नोज कर सकते हो दूसरा है बाय दी एब्सेंस ऑफ द बार बॉडी बार बॉडी की एब्सेंस से बार बॉडी की एब्सेंस हो जाना जो है वो आपके पास इट इज़ नॉट द श्योरिटी ये श्योरिटी नहीं है कि आपके पास टर्नर सिंड्रोम है ही है ठीक है बट आपके पास बार बॉडी का एबसेंट हो जाना या फिर बार बार बॉडी का ना होना वॉट इज कि आपके पास जो है चांसेस बढ़ जाते हैं इससे ठीक है सो द बार बॉडी इट्स अ हेट्रोक्रोमेटिन और द इनएक्टिवेटेड एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन द फीमेल सेल ठीक है तो आपके पास कुछ हेट्रोक्रोमेटिन होता है तो उसको हम कहते हैं बार बॉडी ठीक है bar body. तो बेसिकली बार बॉडी का जब आपके पास एब्सेंस हो जाता है इट इज दोक्रो क्रोमेट जो आपके पास हैट्रोक्रोमेटन होता है एक्स क्रोमोसोम के अंदर सॉरी ठीक है तो उसको जो है वो हम बार बॉडी कहते हैं ठीक है सो so, जब आपके पास ऑब्वियसली बार बॉडी नहीं होगी तो आर या फिर बार बॉडी डिटेक्ट नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब इट इज क्वाइट सिंपल कि आपके पास जो है वो हो सकता है कि एक्स क्रोमोसोम एक ना हो या फिर अगर एक्स क्रोमोसोम मिल भी गया तो हो सकता है कि आपके पास पार्शियल के अंदर हो

ठीक है तो कईयों के अंदर वोरल्स की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है ठीक है सो द डिसीज़ पेरेंट पेरेंट्स के अंदर भी डायग्नोज किया जा सकता है विद दी हेल्प ऑफ द इम्यो क्रोनिक विली सैम्पलिंग ठीक है उसके बाद इसकी क्रायोटाइपिंग टाइपिंग कर लो जैसे आप हमेशा करते आ रहे हो ठीक है सो दिस इज़ द टर्नर सिंड्रोम एक्स ओ ठीक है राइटर शॉर्ट नोट में जनरली राइटर शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूं क्योंकि एक तो है ऐसे क्वेश्चंस आएंगे दूसरा है आपसे जनरल कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा उसके अंदर भी राइटर शॉर्ट नोट वाली नॉलेज ही आपको जो है वो प्रोक्रिएट करनी है ठीक है राइटर शॉर्ट नोट राइटर शॉर्ट नोट ऑन टर्नर सिंड्रम टर्नर सिंड्रम के ऊपर एक शॉर्ट नोट आप लिखिए नाउ द आंसर इंट्रोडक्शन ठीक है इन दी इंट्रोडक्शन इट आप लिखोगे कि आपके पास टर्नर ने जो है टर्नर सिंड्रम की जो है वो खोज की फिनोटिपिकली वो जो है वो आपके पास फीमेल होती है ठीक है हाँ मेल का भी है फिनोटिपिकली मेल भी होते हैं बट इट्स अ टाइप जनरली आपके पास जो है वो फीमेल के कंडीशन ही जो है वो मिलते हैं ठीक है फिर आप जो है इसकी फ्रीक्वेंसी लिखिए ठीक है जी देन उसके बाद जो है बॉडी पार्ट शुरू कर दीजिए इन बॉडी पार्ट यू हैव टू राइट द सिम्टम्स आप जो है वो सिम्टम्स लिखोगे दैट वॉट आर द सिम्टम्स राइट द सिम्टम्स लो हेयर लाइन एट्रा का कंस्ट्रिक्शन आपके पास जो है वो ब्रेस्ट uh, का uh, जो है वो अंडर फॉर्मुलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा राइट द सिम्टम्स सिम्टम्स लिखते जाइए फिर उसके बाद वेरिएशंस वेरिएशन तीन तरह के वेरिएशन इसके अंदर मिलते हैं आपको पहले है आपके पास जो है वो कंप्लीट कंप्लीट के अंदर जो है ये सारे सिम्टम्स ये सारे सिंड्रम जो हैं दे विल बी मोर सवियर ये ज्यादा सवियर होंगे सवियरिटी इनक्रीज हो जाएगी देन पार्शियल पार्शियल के दो केसेस हैं शॉर्ट आर्म की अवेलेबिलिटी लॉन्ग आर्म की अवेलेबिलिटी लॉन्ग आर्म की अवेलेबिलिटी के अंदर जो है वो आपको बेसिकली जो है सारे के सारे इनके सिम्टम्स जो दिखेंगे शॉर्ट आर्म के अंदर जो है सिम्टम्स कम हो जाएंगे और जो स्टेचर भी है बेसिकली स्टेचर की बात करनी है यहाँ पे यहाँ पे स्टेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है लॉन्ग आर्म के अंदर जो स्टेचर है वो जो है वो आपके पास जो है वो लॉन्ग रहता है ठीक है सॉरी uh, वो जो है वो आपके पास शॉर्ट हो जाता है ठीक है देन उसके बाद पार्शियल पार्शियल बट जहां पे आपके पास फिनोटाइप जो है the it is male. Male की फिनोटाइप आ रही है मेल की फिनोटाइप कैसे आ रही है फोर्टी फोर एक्स वाई माइनस वाई माइनस का मतलब क्या है कि वाई का एक फ्रेगमेंट जो है वो आ चुका है ठीक है तो इसके अंदर जो है वो आपके पास जो मेल करेक्टरिस्टिक्स हैं मेल करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली वही होते हैं कि जो टेस्टिस हैं अंडरग्रोन टेस्टिस आ जाते हैं और आपके पास जो एक पीनस का अंडर डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड पीनस जो है वो आपके पास होता है दैट इज इट बाकी जो सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर वेरी मिनिमल बहुत मिनिमल सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं फिर उसके बाद डायग्नोसिस डायग्नोसिस कैसे इसका किया जा सकता है ठीक है पहला आपके पास डायग्नोसिस है कि आप जो है सिस्टोमेटिकली डायग्नोस कर लो दूसरा जो है वो आपके पास एबसेंस ऑफ बार बॉडी ठीक है बार बॉडी का मतलब क्या होता है कि जो हेट्रोक्रोमेटिन मटीरियल है एक्स क्रोमोसोम का जो आपके पास हेट्रोक्रोमेटिन मटीरियल है ना ये आपके पास एक्स क्रोमोसोम में डिटेक्ट हो जाता है इसको हम बार बॉडी कहते हैं तो आपके पास एक्स क्रोमोसोम की जो बार बॉडी है या फिर एक्स क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिन मटीरियल है वो अगर एबसेंट हो तो इसका मतलब क्या है कि चांसेस ज़्यादा हैं चांसेस क्या काफ़ी ज़्यादा हैं कि आपके पास जो है वो एक्स क्रोमोसोम जो है वो एबसेंट है ठीक है तो बेसिकली जो है वो हम बार बॉडी का एनालिसिस कर लेते हैं फिर उसके बाद जो है पेरेंटल डायग्नोसिस जो आप देख ही चुके हो पिछली वीडियोस के अंदर हम पेरेंटल डायग्नोसिस की बात कर चुके हैं फिर आप जो है यू कैन कंक्लूड फिर जो है वो आप इजीली कंक्लूड कर सकते हो सो प्लीज़ राइट द आंसर इस आंसर को लिखिए एंड यू कैन सेंड इट इन हेयर इस नंबर के ऊपर जो है वो आप इसको भेज सकते हैं ठीक है सो दोज ऑफ यू हु हैवंट